वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डोमिनिक लेपेरी और लैरी कॉलिंस द्वारा लिखे गए लेसन फ्रीडम एट मिडनाइट के दूसरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइटर्स के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले कि ये दोनों राइटर्स ने कोलैबोरेशन में बुक्स लिखी 43 इयर्स तक, और बहुत सारी बुक्स इनकी जो हैं वो बेस्ट सेलर्स भी साबित हुई हैं। तो इस लेसन में बेसिकली राइटर ने 1947 की इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन की बैकड्रॉप में जो दो अलग अलग धर्म के, बूटा सिंह सिख धर्म का और ज़ैनब मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच में जो प्यार का रिश्ता, नफ़रत की आग के दरमियान जो इन दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता पनपा, और किस तरीके से इनके प्यार के रिश्ते ने पूरी दुनिया को एक लेसन ऑफ लव सिखाया, और नफ़रत दुश्मनी जैसी चीज़ों से हम सब लोगों को दूर करने की एक कोशिश की। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इस लेसन में राइटर्स ने बहुत ही बाखूबी ढंग से बूटा सिंह को एक ऐसा करैक्टर प्रेजेंट किया है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक सेक्रीफाइस की मूरत, कुर्बानी की मूरत, प्यार की मूरत और सेल्फलेसनेस, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने की मूरत के तौर पे प्रेजेंट किया है। और इस चैप्टर के ऊपर एक मूवी भी बनी है, शहीद मोहब्बत बूटा सिंह। आप लोग अगर चाहें तो वो मूवी देख के भी इस चैप्टर को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। तो क्वेश्चन बनता है, बूटा सिंह सुसाइड स्टेट ऑफ वेव ऑफ इमोशन स्टार्टेड अ वेव ऑफ इमोशन इन पाकिस्तान एंड हिज फ्यूनरल बिकेम एन इवेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, नरेट हाउ पीपल इन पाकिस्तान टुक पार्ट इन फ्यूनरल। वो कहते हैं कि बूटा सिंह का जो अंतिम, जो उसने आत्महत्या की और उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार था, किस प्रकार से उसकी आत्महत्या ने, उसके सुसाइड ने पाकिस्तान के लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत की भावना को ख़त्म करके दोस्ती, प्यार, इंसानियत की भावना को भर दिया, और किस प्रकार से उसका अंतिम संस्कार एक राष्ट्रीय मान सम्मान की जैसा हो गया। और ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हाउ डू द राइटर्स सक्सीड इन मेकिंग बूटा सिंह लवेबल एंड मेमोरेबल करेक्टर। किस प्रकार राइटर्स ने बूटा सिंह को एक प्यारा और एक यादगारी करेक्टर बनाया है। तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, इससे पहले कि हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करें, कि कैसे जब बूटा सिंह की डेथ हुई तो लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने धर्म, जात पात और देशों की जो बाउंड्रीज बना के नफ़रत की, उसका अंत केवल मौत है, उसका अंत केवल नफ़रत है। बट बूटा सिंह ने उस नफ़रत के दौरान किस प्रकार से प्यार से ज़ैनब को बचाया, किस प्रकार से उसके साथ रखा, और फिर जब वो खुद नफ़रत का शिकार होता है उस टाइम भी उसने ज़ैनब के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की बजाय प्यार से त्याग कर दिया। उस समय पाकिस्तान के लोगों को एहसास हुआ कि नफ़रत को भूलना ही अच्छा होगा, और दुनिया में प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं। इसीलिए उन लोगों ने बूटा सिंह के अंतिम संस्कार के में हिस्सा भी लिया, और
जैनब की फैमिली से उसके ग्रेव को, उसकी कब्र को बचाया भी, और दूसरा कैसे यादगारी करेक्टर कैसे बनाए, बुट्टा सिंह कैसा करेक्टर है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। स्टार्टिंग में उसके अंदर थोड़ा सा स्वार्थ था अपना अकेलापन दूर करना, बट पूरे लेसन के दौरान एक भी ऐसी इंसिडेंट नहीं आता जहां पर बूटा सिंह दूसरों की बजाय अपने बारे में सोचे। और इसीलिए बूटा सिंह ने के करैक्टर को राइटर्स ने बाखूबी ढंग से एक यादगारी और एक प्यारा करैक्टर बना दिया है हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर नाउ। द प्रेजेंट स्टोरी फ्रीडम एट मिडनाइट हैज़ बीन रिटन बाय लैरे कॉलिंस एंड डोमिनिक लपेरे। द रिलेशनशिप बिटवीन बूटा सिंह एंड जैनब इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्टोरी। तो ये लेसन जो है लैरे कॉलिंस और डोमिनिक लपेरे द्वारा लिखा गया है, और पूरी कहानी बूटा सिंह और जैनब के रिश्ते के इर्द गिर्द ही घूमती है। बूटा सिंह इज द प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट होता है हीरो। बूटा सिंह इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी फ्रीडम एट मिडनाइट। थ्रू हिज करेक्टर द राइटर्स हैव ट्राइड टू प्रेजेंट द आइडिया दैट लव इज द सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड। उसके करेक्टर के जरिए राइटर्स ने, लेखकों ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को समझाने की कोशिश की है वो ये है कि दुनिया में प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। प्यार से हम लोग अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। कोई इंसान आपको पसंद नहीं, इरिटेट करता है, वो दो मिनट आपसे प्यार से बात कर ले, आपके अंदर से गुस्सा ख़त्म हो जाता है। और वहीं पे कोई इंसान आपको बहुत प्यारा है और वो आपसे रूडली बात करे, इरिटेटिंग में बात करे, वो इंसान हमारे दिल से उतर जाता है। तो इसीलिए लव इज़ द सुप्रीम पावर इन दिस वर्ल्ड। राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड बूटा सिंह इज़ प्रेजेंटेड एज अ करेक्टर हु अर्न्स अवर रिस्पेक्ट सिंपथी एंड लव। शुरुआत से लेकर अंत तक बूटा सिंह को एक ऐसा पात्र, एक ऐसा करेक्टर बना के राइटर्स ने पेश किया है जो हमारा सम्मान, हमारी हमदर्दी और हम लोगों से प्यार भी हासिल करता है। एट फर्स्ट बूटा सिंह ग्रेटनेस इज़ प्रेजेंटेड व्हेन ही सेव्स जैनब। सबसे पहले उसकी जो महानता है, इसके करेक्टर की जो बढ़िया क्वालिटी है, वो तब हमारे सामने आती है जब वो जैनब को अपने एक साथी सिख से बचाता है। नो डाउट बूटा सिंह हैज़ अ डिज़ायर टू रिमूव हिज लोनलीनेस थ्रू जैनब, बट ही नेवर फोर्स्ड हर इनटू एनी रिलेशन। तो राइटर ये भी कहता है नो डाउट उसने जैनब को बचाया, उसके अंदर थोड़ा सा लालच भी था कि जैनब के ज़रिए वो अपने अकेलेपन को दूर कर सकता है। बट कितने टाइम तक, इनकी शादी होने से पहले कितने टाइम तक ये दोनों एक साथ रहे, बट कभी भी बूटा सिंह ने जैनब को किसी प्रकार का रिश्ता बनाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि जो उनकी शादी भी होती है वहाँ पे भी बूटा सिंह ने जैनब से ज़बरदस्ती शादी नहीं की। जैनब के दिल में बूटा सिंह के लिए जब प्यार फीलिंग्स जागी तब ही इन दोनों की जो शादी हुई थी। इनफैक्ट जैनब बिकम्स अ पोल अराउंड विच हिज होल लाइफ रिवॉल्व। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, धीरे धीरे करके जैनब एक ऐसा पॉइंट बन चुका था, ऐसा केंद्र बिंदु बन चुका था बूटा सिंह की ज़िंदगी का, जिसके इर्द गिर्द अब उसकी पूरी ज़िंदगी घूमती थी। वो जो चाहता था, जो करता था, वो उसकी कोशिश ये होती थी उससे जैनब को खुशी मिले। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, बूटा सिंह के लिए उसकी पूरी दुनिया ही जैनब बन चुकी थी। मोर ओवर व्हेन जैनब वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम ही कन्वर्ट्स इनटू मुस्लिम टू गेट हर वर्क। और उसकी महानता, उसकी जैनब के लिए प्यार, उसकी जैनब के लिए अटैचमेंट हमें इस चीज़ से पता लग सकती है जब जैनब को उससे अलग कर दिया जाता है तब वो अपना धर्म तक परिवर्तित कर लेता है जैनब को दोबारा हासिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये, उसकी ये मानना था कि धर्म कुछ नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। He thinks that not religion but love is the greatest power. उसके मुताबिक धर्म से भी ताकतवर चीज़ है प्यार। So we see that in the first part of the story, Bhutta Singh was presented as a symbol of love, peace and humanity. तो हम लोग देख सकते हैं कि कहानी के पहले हिस्से में बूटा सिंह को लेखकों ने
प्यार का, शांति का और इंसानियत का एक प्रतीक बना के हमारे सामने पेश किया है। एट लास्ट व्हेन ज़ैनब रिफ्यूजेस टू गो विद हिम, ही डज नॉट कंप्लेंट एनीथिंग एंड गोज अवे। अंत में भी, दूसरे हिस्से में भी, जब वो पाकिस्तान पहुंच जाता है इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके, तब भी जब ज़ैनब कोर्ट रूम के अंदर बुट्टा सिंह के साथ जाने के लिए इनकार कर देती है और यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी स्वीकार नहीं करती, वहाँ पे भी बुट्टा सिंह वहाँ से बिना किसी शिकायत किए चुपचाप चला जाता है। अगर कोई साधारण इंसान होता तो हम लोग सामने वाले शख्स को कोसना शुरू कर देते, उसे बुरा भला कहते, पर बुट्टा सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, चुपचाप वहाँ से रोता हुआ कोर्ट रूम से चला जाता है। फाइनली ही जंप्स बिफोर द ट्रेन विद हिज डॉटर इन विच ही वॉज किल्ड। इवन देन, अंत में जब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता तो वो क्या करता है, वो एक ट्रेन के सामने शाहदरा रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी बेटी के साथ एक ट्रेन के सामने जंप कर देता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, और जिसमें कि उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है और उसकी बेटी जो है वो चमत्कार के तौर पे बच जाती है, उसको एक खरोच तक भी नहीं आती। और यहाँ तक देखिए कि मरने के बाद भी बूटा सिंह के करेक्टर की ग्रेटनेस देखिए, मरने के बाद भी बूटा सिंह की विश क्या थी, माई डियर ज़ैनब, इट सेड यू लिसन टू द वॉइस ऑफ मल्टीट्यूड बट दैट वॉइस इज़ नेवर सिंसियर। वो ज़ैनब को कह रहा है कि तुमने ज़्यादा लोगों की आवाज़ को सुना, तुमने अपने दिल की, अपने आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना, और इसीलिए जिस आवाज़ को तुमने सुना वो सही आवाज़ नहीं थी। स्टिल माई लास्ट विश इज़ टू बी विद यू। पर वो कहता है फिर भी मेरी आखिरी इच्छा यही है कि अगर हम लोग इस दुनिया में नहीं मिल सके तो दूसरी दुनिया में हम लोगों का मिलाप हो। प्लीज़ बरी मी इन योर विलेज एंड कम फ्रॉम टाइम टू फ्लावर्स ऑन माई ग्रेव। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी, वो कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे ज़ैनब के गांव में दफनाया जाए और जब भी ज़ैनब को टाइम मिले वो उसकी कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने ज़रूर आए। अब हम लोग कहेंगे कि बूटा सिंह की कब्र कैसे बन सकती है, क्योंकि उसने धर्म परिवर्तित कर लिया था, इसीलिए अब उसको जलाया नहीं जाना था, अब उसको दफनाया जाना था। दिस इंसिडेंट रेज्ड अ वेव ऑफ इमोशन इन पाकिस्तान। इस घटना ने, बूटा सिंह के सुसाइड के स्टेप ने और इस सुसाइड नोट ने पूरे पाकिस्तान में एक भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। हिज डेड बॉडी वॉज फर्स्ट बरीड इन द विलेज ऑफ ज़ैनब बट ज़ैनब्स फैमिली टुक इट एज एन इंसल्ट टू देयर ऑनर एंड अपरूटेड हिज टॉम। उसकी मृतक देह को, उसकी डेड बॉडी को पहले उसकी इच्छा के मुताबिक ज़ैनब के गांव में दफनाया गया, बट ज़ैनब की फैमिली ने इसे अपने मान सम्मान के अगेंस्ट समझा और उन्होंने अपने आदमियों को भेजकर उसकी कब्र को बुरे तरीके से तहस महस कर दिया, अपरूट कर दिया, उसको उखाड़ के फेंक दिया। दिस थिंग रेज्ड अ वेव ऑफ इमोशन एंड एंगर इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस इंसिडेंट के बाद लोगों के अंदर गुस्सा और भावनाओं से का एक और तूफान उमड़ गया था, लोग गुस्से से भर चुके थे। इवन व्हेन बूटा सिंह्स बॉडी वॉज बरीड इन लाहौर, देन अगेन ज़ैनब्स फैमिली सेंट देयर मैन टू अपरूट इट। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने देखा कि इस चीज़ के कारण लोगों के बीच में दंगे भड़क सकते हैं, तो उन्होंने लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा और बूटा सिंह की डेड बॉडी को लाहौर में एक पहाड़ी के नीचे दफना दिया गया। बट अब फिर से ज़ैनब की फैमिली ने इसको भी अपनी बेइज्जती समझा और उन्होंने फिर से अपने आदमी ज़ैनब की कब्र को उखाड़ने और तहस महस करने के लिए भेज दिए। नाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान अंडरस्टूड दैट लव इज़ द ग्रेटेस्ट पावर इन द यूनिवर्स एंड दैट इज़ वाई दे देमसेल्व्स केम टू प्रोटेक्ट द ग्रेव ऑफ बूटा सिंह फ्रॉम ज़ैनब्स फैमिली। बट अब तक बूटा सिंह की इस कुर्बानी का, अब कुर्बानी तभी हम लोग कहेंगे रंग लाई या कुर्बानी का तभी फ़ायदा है जब वो कुर्बानी कुछ दे के जाए, तो यहाँ पे बूटा सिंह की कुर्बानी ने भी एक लेसन दिया पूरी दुनिया के लोगों को, पाकिस्तान और भारत के लोगों को, कि प्यार से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। नफ़रत का अंत हमेशा नफ़रत का अंत जो है वो तबाही होगा, और अगर हम लोग नफ़रत के बदले में प्यार देते हैं
तो धीरे धीरे करके नफरत ख़त्म हो जाएगी, और जब प्यार होगा फिर तबाही नहीं, फिर विकास होगा, फिर उत्पत्ति होगी। तो यही कारण है कि जब पाकिस्तान के लोगों ने भी बूटा सिंह की कुर्बानी के बाद इस चीज़ को समझा, और इसीलिए जब ज़ैनब की फैमिली ने दूसरी बार अपने आदमियों को बूटा सिंह की कब्र को उखाड़ने भेजा, तो अब अपने आप कहाँ पे 1947 में ऐसा माहौल था कि पाकिस्तान मुस्लिम लोग सिख और हिंदू लोगों को मार रहे थे, अब कैसे हालात आ गए। तब उन्होंने नफरत सीखी थी, अब उन्होंने प्यार सीखा है, तो अब वही मुस्लिम लोग अपनी मर्ज़ी से बूटा सिंह की कब्र की रखवाली के लिए खड़े हैं और ज़ैनब की फैमिली के सभी प्लान्स को फेल कर देते हैं। कंक्लूजन, टू कंक्लूड वी कैन से दैट थ्रू द करेक्टर ऑफ बूटा सिंह द राइटर्स हैव प्रेजेंटेड द होप ऑफ बेटर टुमारो फॉर द होल वर्ल्ड वेयर देयर विल बी लव पीस एंड ब्रदरहुड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस लेसन में बूटा सिंह के करेक्टर के ज़रिए भारत और पाकिस्तान, और ये भी कहना गलत नहीं होगा, संपूर्ण मानवता को राइटर्स ने बूटा सिंह के करेक्टर के ज़रिए एक बेहतर कल का सपना दिखाया है। उन्होंने एक ऐसे कल की कल्पना की है बूटा सिंह के करेक्टर के ज़रिए जहाँ पे हर जगह प्यार होगी, शांति होगी और लोग आपसी भाईचारे के साथ रहेंगे, कोई धर्म, कोई जात पात और कोई और ऐसी भेदभाव नहीं होंगे जो हम लोगों को एक दूसरे से नफरत या एक दूसरे से बांट दे। सो बूटा सिंह करेक्टर इज़ रियली अ लवेबल और मेमोरेबल करेक्टर बिकॉज ही हैज़ रिमेन्ड एज अ सिंबल ऑफ लव इवन आफ्टर हिज डेथ। तो ये कहना फिर अब गलत नहीं होगा कि बूटा सिंह का करेक्टर वाकई में एक प्यारा और यादगारी करेक्टर है, राइटर्स की एक यादगारी रचना है। और उसके साथ साथ क्यों वो एक यादगारी करेक्टर है, क्योंकि हम लोगों ने देखा पहले हिस्से में भी वो सिंबल ऑफ लव है, दूसरे हिस्से में भी सिंबल ऑफ लव है, और यहाँ तक कि वो मरने के बाद भी प्यार का प्रतीक बन जाता है। तो इस प्रकार से राइटर्स ने जहाँ पे ये दिखाया है कि बूटा सिंह के सुसाइड ने पाकिस्तान के लोगों के अंदर भावनात्मक तूफान ला दिया था, वहीं पे उन्होंने बूटा सिंह के करेक्टर की अलग अलग क्वालिटीज़ बता के ये बताया कि किस प्रकार से बूटा सिंह राइटर्स की एक शाहकार करेक्टर के तौर पे रचना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल और आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए।